हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इरुटेरिया चैनल पे। इरुटेरिया के करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट श्रृंखला में आज हम लोग सेट संख्या 14 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले 13 सेट प्रोवाइड किए जा चुके हैं, जिन्हें आप इरुटेरिया के प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। यह जो है वार्षिकी 2021 जो इरुटेरिया की हाल ही में प्रकाशित बुक से लिया गया है, जिसमें जनवरी से लेकर के दिसंबर तक की महत्वपूर्ण घटनाएँ को शामिल किया गया है। इसमें दो मुख्य विशेष बातें हैं कि इसमें रेलवे स्पेशल जुड़े हुए करेंट दिए गए हैं, जो आपके रेलवे के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है कि 26 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसमें आज हम सेट संख्या 14 को सॉल्व करेंगे। फिर आएंगे कल दूसरे वीडियो के साथ, जो इसमें हम 15 सेट को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में IMF के 190 सदस्य देश के रूप में किसे चुना गया है? तो IMF का 190वां सदस्य देश कौन बना है? तो 190वां सदस्य देश बना है अंडोरा। अब आपको IMF के बारे में थोड़ा सा जानना है और थोड़ा सा अंडोरा के बारे में जानना है कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन DC में है। अब अंडोरा के विषय में जानते हैं कि IMF में पहले 189 सदस्य देश थे और 190वां सदस्य देश अंडोरा बना है। अंडोरा एक छोटा सा देश है जो कि फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, यह फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित छोटा सा देश है, जिसकी राजधानी अंडोरा ला वेला है। इसकी राजधानी अंडोरा ला वेला है, यह भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बेहतर शिक्षण माहौल के लिए 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो बेहतर शिक्षा माहौल बनाने के लिए राज्य के 80,000 स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की गई है। यह योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री ई के पलानी स्वामी के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। इसमें ऑडियो वीडियो के माध्यम से, पेन ड्राइव के माध्यम से, कंप्यूटर्स के माध्यम से बच्चों को डिजिटल ब्लैक बोर्ड पर शिक्षा प्रदान किया जाएगा। यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए गठित 2 सदस्यीय समिति के सदस्यों का नाम बताइए। तो लोकसभा और विधानसभा के चुनावी खर्चों के लिए हाल ही में 2 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया था। यह समिति के अध्यक्ष जो इन समि यह समिति जो है हरीश कुमार और उमेश सिन्हा के द्वारा गठित समिति है। तो नाम याद रखिएगा, हरीश कुमार और उमेश सिन्हा, ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने इस समिति में भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसे दिया गया? आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 का खिताब किसे दिया गया है? तो भारतीय मूल की, जो ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की वैज्ञानिक, युवा वैज्ञानिक जैजिनी वर्गीज को यह खिताब दिया गया था। स्तन कैंसर के उपचार के लिए एवं उसके निदान के लिए बेहतर कार्य करने वाली भारतीय प्लास्टिक सर्जन, जिनका नाम है जैजनी वर्गीस, उनको यह खिताब दिया गया था। यह ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की एक युवा वैज्ञानिक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी किस राज्य को सौंप दी गई है? जैसा कि मैंने आपको पिछले सेट में बताया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अभी तक 3 संस्करण हो चुके हैं, और 2021 में चौथा संस्करण जो है हरियाणा में आयोजित किया जाने वाला है। यह जनवरी फरवरी माह में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, और यह 2018 से आयोजित किया जा रहा है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 2018 से किया जा रहा है, और इस वर्ष इसका चौथा संस्करण है, जो जनवरी फरवरी में हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत नए जो युवा हैं, जिसके अंदर प्रतिभा है, उनको उभारने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें 2 कैटेगरी बनाई गई है, एक कैटेगरी जो अंडर 17 की है और दूसरी कैटेगरी जो है अंडर 21 की है। इन 2 कैटेगरी में जो बेस्ट 1,000 युवा खिलाड़ी उभर कर सामने आएंगे, उन्हें 5 लाख रुपये, 5 लाख रुपये का वार्षिक पैकेज दिया जाएगा, ताकि वे उन्हें ओलंपिक के लिए तैयार किया जाए और उनके अंदर की जो खेलने की क्षमता है उसका विकास किया जा सके। अगला है, कुपोषण की समस्या को दूर करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो कुपोषण की समस्या आप जानते ही होंगे कि भारत में एक गंभीर समस्या के रूप में है।
इस समस्या को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सितंबर महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, और यह 2018 से प्रतिवर्ष सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसका जो मूल उद्देश्य है कि देश में जो पोषण के स्तर में सुधार किया जाए, महिलाओं के और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए यह मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय पोषण माह प्रतिवर्ष सितंबर महीने में। आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? पहले याद रखिएगा कि आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है, तो यह नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है, जो सरकार को सुझाव देती है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि योजना आयोग की जगह पर कार्य कर रही है। तो नीति आयोग के द्वारा हाल ही में आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग जारी की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ के बीजापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, मेघालय के रिभोई को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, वहीं यूपी के बहराइच को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो ये याद रखना है कि आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, उसमें छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में फ्रांस में हुए प्रधानमंत्री के रूप में जेन कैस्टेक्स को नियुक्त किया गया है। तो जेन कैस्टेक्स को फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम है इमैनुअल मैक्रोन, जो वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति है। एंड्रेज टूडा जो है वो पोलैंड के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पूछा जा रहा है कथन सत्य नहीं है। आप जानते होंगे कि 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति की मंजूरी कैबिनेट द्वारा दे दी गई है। तो इसमें कई प्रावधान किए गए हैं, उन्हीं प्रावधानों के विषय में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है कि इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो आप बिल्कुल जानते होंगे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यह डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति लाई गई है 2020 वाली। तो आप जानते ही होंगे कि इससे पहले जो शिक्षा नीति लाई गई थी वह 1986 में लाई गई थी, और यह नई शिक्षा नीति डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर लाई गई है, और इसमें 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 फॉर्मेट को अपनाया गया है। यह भी बिल्कुल सही है। और अंतिम लाइन है कि शिक्षा पर जीडीपी का 8% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। जी नहीं दोस्तों, इसमें शिक्षा पर जीडीपी का 8 नहीं बल्कि 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में देखा जाए तो लगभग 4.43% जो है शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है जीडीपी का, तो इसे बढ़ा करके 6% करने का लक्ष्य रखा गया है नई शिक्षा नीति के तहत। आगे बढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई है, और यह भारत के किस वन्यजीव अभयारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा? तो पहले याद रखिएगा, अफ्रीकी चीतों को भारत लाने के लिए भारत ने हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? तो नामीबिया के साथ। नामीबिया अफ्रीका का एक देश है, और वहाँ से लाए गए अफ्रीकी चीतों को भारत के मध्य प्रदेश में स्थित कूनो पालपुर अभयारण्य में रखा जाएगा। कूनो पालपुर अभयारण्य कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचमढ़ी अभयारण्य, यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। जिम कारेट अभयारण्य जो उत्तराखंड में स्थित है, और बुक्सा अभयारण्य जो है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो आप याद रखिएगा कि कूनो पालपुर अभयारण्य में नामीबिया से लाए गए अफ्रीकी चीतों को रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सीवर पुस्तक के लेखक कौन है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सीवर पुस्तक के लेखक जो है वह है श्री उर्जित पटेल। भारत के 24वें आरबीआई गवर्नर रह चुके श्री उर्जित पटेल जी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सीवर। अगला प्रश्न, चाबहार रेलवे परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला कथन है, यह भारत, अफगानिस्तान और ईरान के मध्य में त्रिपक्षीय समझौता है। बिल्कुल सही है। वर्ष 2016 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। यह भी बिल्कुल सही है। इसके तहत जो है 628 किलोमीटर लंबी चाबहार जहैदान रेल लाइन के लिए ट्रैक बिछाई जाएंगे। यह भी बिल्कुल सही है। अर्थात तीनों के तीनों कथन सही है। चाबहार रेलवे परियोजना जो है भारत, अफगानिस्तान और ईरान के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता है, जिसे 2016 में तीनों देशों ने हस्ताक्षर किया था। इसके तहत जो है चाबहार जो बंदरगाह है जो ईरान में स्थित है, वहाँ से लेकर के जहैदान जो कि अफगानिस्तान में स्थित है, वहाँ से लेकर के वहाँ तक, यानी चाबहार बंदरगाह से लेकर के जहैदान तक एक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, जिसकी लंबाई 628 किलोमीटर होगी। चाबहार के बारे में आप जानते होंगे कि चाबहार समझौता जो है भारत ने ईरान के साथ किया था, लेकिन यहाँ पे चाबहार रेलवे लाइन परियोजना है, तो वह भारत, अफगानिस्तान और ईरान की परियोजना है। अगला प्रश्न है, आजाद पट्टन और कोहाला जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किन देशों के मध्य हस्ताक्षर के बाद करने की घोषणा की गई है? तो आजाद पट्टन और कोहाला जल विद्युत परियोजनाओं के लिए चीन एवं पाकिस्तान ने समझौते किए हैं। तो आप जानते होंगे कि चीन एवं पाकिस्तान के बीच में एक CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जो कि चीन की एक महत्वाकांक्षी योजना BRI, बेल्ट रोड एंड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। इस CPEC के तहत दो जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण झेलम नदी पर किया जा रहा है, जिसका नाम है आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना और कोहाला जल विद्युत परियोजना। आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना जो है वह 700 मेगावाट का है, जबकि कोहाला जल विद्युत परियोजना 1100 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। यह CPEC का हिस्सा है और यह झेलम नदी पर बनाया जा रहा है चीन एवं पाकिस्तान के सहयोग से। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने नए सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल हेतु नाम दिया है, शामिल करने हेतु नाम दिया है? तो संयुक्त राष्ट्र सचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा भारतीय अर्चना सोरेंग जी को जो है नए सलाहकार के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। भारत की जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेंग जी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने नए सलाहकार के रूप समूह में शामिल करने की बात की है। तो अभी वर्तमान में आप जानते होंगे कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस, जिनका संबंध पुर्तगाल से है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य में सड़क निर्माण को लेकर के प्रस्ताव रखा है, यह किस देश में स्थित है या किस क्षेत्र में स्थित है, वो पूछा जा रहा है। तो भारत ने सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य में सड़क निर्माण को लेकर के हाल ही में भूटान से समझौता किया है। भूटान सरकार के कहने पर भारत सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य के पश्चिमी क्षेत्र में, सॉरी, सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य में सड़क निर्माण करेगा और यह भूटान के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित वन्यजीव अभयारण्य है। हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय, जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, यह किस देश में है? तो हागिया सोफिया संग्रहालय हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा था। यह तुर्की में स्थित संग्रहालय है, जिसे यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, लेकिन तुर्की में ने इसे, तुर्की सरकार के द्वारा इसे पुनः मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसके लिए यह काफ़ी चर्चा में आ गया था। तो यह कहाँ पे स्थित है? तो यह तुर्की में स्थित है। तुर्की की राजधानी आप जानते होंगे कि यह तुर्की की राजधानी अंकारा है। हागिया सोफिया संग्रहालय के बारे में पूछा जाएगा कि यह तुर्की में कहाँ है, तो याद रखिएगा यह तुर्की के इस्तांबुल में स्थित है। अगला प्रश्न, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव मोदी योजना की शुरुआत की गई? जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव मोदी योजना की शुरुआत हाल ही में भारत के नए गठित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के द्वारा की गई है। लद्दाख क्षेत्र को एक जैविक प्रदेश, सिक्किम की भांति एक जैविक प्रदेश बनाने के लिए लद्दाख के उपराज्यपाल श्री आर के माथुर जी के द्वारा यह शुरू किया गया है। तो कहाँ पे शुरू किया गया है? तो लद्दाख के द्वारा शुरू किया गया है। लद्दाख की राजधानी लेह होगी और यह याद रखिएगा कि मोदी योजना का संबंध लद्दाख से है। अगला प्रश्न,
राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो राष्ट्रमंडल खेल जो है 2022 में ब्रिटेन के बर्मिंघम में आयोजित किया जाना है। तो वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन ब्रिटेन के बर्मिंघम में किया जाएगा। पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन वर्ष 1930 में किया गया था और 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे वह ब्रिटेन में होंगे। और हाल ही में 2018 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वह ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में संपन्न किया गया। आगे बढ़ते हैं। वरुण, नौ सैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया जाने वाला युद्ध अभ्यास है? वरुण एक नौ सैनिक अभ्यास है, पहले ये याद रखिएगा। वरुण एक नौ सैनिक अभ्यास है जो कि फ्रांस और भारत की नौ सेनाओं के बीच में आयोजित किया जाता है। तो वरुण नौ सैनिक अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाने वाला नौ सैनिक अभ्यास है, जबकि भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़ जो एक वायुसेना अभ्यास है, ये भी याद रखिएगा कि गरुड़ वायुसेना अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में, जबकि वरुण नौसेना अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में। भारत और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति एक नौसेना अभ्यास है, भारत जापान के बीच में जिमेक्स एक नौसेना अभ्यास है, और भारत और रूस के बीच में जो है नेवीइंद्र यानी इंद्र का ही एक रूप है, नेवीइंद्र जो है नेवी इंद्र जो कि रूस के बीच में और भारत के बीच में आयोजित किया जाता है। दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो दिसंबर 2019 में 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से श्री अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी जी को सम्मानित किया गया। तो अभी आप जब सुने होंगे कि हाल ही में अक्कीतम जी का निधन भी हो गया था, तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में मिला और 2020 में इनका देहांत भी हो गया। तो हो सकता है कि यह आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछ लिया जाए। पहले ये देख लेते हैं कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे मिला? तो अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी जी को मलयालम भाषा के लिए दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार वर्ष 1965 में दिया गया था और यह 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह ज्ञानपीठ न्यास समिति के द्वारा दिया जाता है। इसके तहत 11 लाख रुपये की राशि प्रोवाइड की जाती है, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है हाल ही में भारत सरकार के द्वारा, इसका संबंध किससे है? तो भारतीय सिविल सेवकों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है मिशन कर्मयोगी। तो मिशन कर्मयोगी का संबंध किससे है? तो भारतीय सिविल सेवकों से। तो भारतीय सिविल सेवकों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए एक एक योजना है जिसका नाम है मिशन कर्मयोगी, जो भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगला है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाता है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो आप जानते होंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाने वाला एक रिपोर्ट है। 2020 में हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रैंकिंग में प्रथम जो स्थान प्राप्त हुआ वह न्यूजीलैंड को प्राप्त हुआ, जबकि भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ वह 63 था। ये सभी बिंदुओं को आप याद रखिएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, फर्स्ट स्थान न्यूजीलैंड को प्राप्त हुआ और 2020 में भारत का स्थान 63वां था। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक और रिपोर्ट जारी किया जाता है जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, मानव पूंजी सूचकांक। मानव पूंजी सूचकांक में सिंगापुर को प्रथम स्थान और भारत को 116वां स्थान 2020 में प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बाघों के संरक्षण के लिए और उसके संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। आप जानते होंगे कि दुनिया का 70% जो बाघ है वो केवल भारत में है, ये जो भारत के लिए काफ़ी गर्व की बात है। और एक व्यक्ति है जिन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया नाम से जाना जाता है, उनका नाम भी याद रखिएगा, कैलाश सांखल जी को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान खरीदने हेतु समझौता किया है, राफेल विमान की निर्माता कंपनी का नाम बताना है। तो भारत ने किस देश के साथ राफेल खरीदने के लिए समझौता किया है? तो वह देश है फ्रांस। फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी के साथ भारत ने 36 राफेल विमान खरीदने हेतु समझौता किया था और इस समझौते के तहत हाल ही में अम्बाला एयरबेस पर 5 जो है
वह राफेल विमानों को लाया गया था और टोटल 36 राफेल विमानों को लाए जाने की बात की गई है, जो वर्ष 2021 तक भारत में पहुंचा दिया जाएगा। और हाल ही में 3 और लाए गए हैं, तो भारत में अभी तक 8 राफेल विमानों को लाया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2020 में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा महात्मा गांधी पर एक पुस्तक जारी की गई? तो नेपाल के राष्ट्रपति श्रीमती विद्या देवी भंडारी जी के द्वारा एक पुस्तक जो कि महात्मा गांधी जी पर जारी की गई, उस पुस्तक का नाम है मिले भुजको गांधी। यह पुस्तक जो है नेपाल की राष्ट्रपति के द्वारा महात्मा गांधी पर जारी की गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल। नेपाल के राष्ट्रपति के द्वारा गांधी जी पर एक पुस्तक जारी की गई जिसका नाम है मिले भुजको गांधी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में VIJD वाइस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? तो भारतीय क्रिकेट कप्तान श्री विराट कोहली जी को वाइस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में चुना गया है। अगला है, 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा? आप जानते होंगे कि प्रतिवर्ष विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाता है, और हाल ही में 2021 में 108वें विज्ञान कांग्रेस के आयोजन स्थल का भी नाम घोषित कर दिया गया है। यह आयोजन जो है 3 से 7 जनवरी के मध्य जो है पुणे में आयोजित किया जाने वाला था, लेकिन यह 2021 की जगह पे 2022 में आयोजित किया जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि 2021 में यह आयोजित किया जाने वाला था 3 से 7 जनवरी के मध्य, लेकिन अब इसे 2021 की जगह पे 2022 में पुणे में आयोजित किया जाएगा। अगला है, हाल ही में जारी सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह घोषणा की गई कि भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाए। तो इसके लिए उन्होंने आर्टिकल 19 के 1 का प्रयोग किया है और इंटरनेट सेवा की पहुंच को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दे दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जम्मू कश्मीर में कुल 5 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दे दी है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में केवल 2 आधिकारिक भाषा थी, इंग्लिश और उर्दू, और इसे अब बढ़ा करके 5 भाषाएं कर दी गई है। वो भाषाएं हैं इंग्लिश, उर्दू, कश्मीरी, डोंगरी और हिंदी। फिर से सुन लीजिए, इंग्लिश, उर्दू, कश्मीरी, डोंगरी और हिंदी। ये 5 आधिकारिक भाषाएं हो गई है जम्मू कश्मीर की, तो ये भी याद रखिएगा। चर्चा में रहे IM विजयन जी का संबंध किस खेल से है? तो हाल ही में IM विजयन जी को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान के लिए नामित किया गया है। वह पूर्व भारतीय फुटबॉलर रह चुके हैं। पूर्व भारतीय फुटबॉलर IM विजयन जी को पद्मश्री के लिए नामित किया गया है, तो इसके लिए वो चर्चा में रहे हैं। फुटबॉल में उनके योगदान के लिए केरल में जन्मे श्री IM विजयन जी को पद्मश्री के लिए नामित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम था। हाल ही में 2020 में जल संरक्षण को लेकर के जल दिवस मनाया जा रहा है, मनाया गया। और आप जानते होंगे कि प्रति वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस वर्ष इसका थीम था जल और जलवायु परिवर्तन। विश्व में जो जल दिवस मनाया जा रहा है वह वर्ष 1993 से प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जा रहा है, और 2022 में हुए जल दिवस का थीम था जल और जलवायु परिवर्तन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है? तो अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले जनजातियों के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र को जो है 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। तो अरुणाचल प्रदेश के 2 क्षेत्र जिसका नाम है सोम और पटकाई, इन 2 क्षेत्रों को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग वहाँ रहने वाले जनजातियों के द्वारा की जा रही है। आप जानते होंगे कि 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा के 10 स्वायत्त क्षेत्रों को शामिल किया गया है अभी तक। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र को
1000 दिन में भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा की गई है। हाल ही में चेन्नई से अंडमान निकोबार के बीच में ऑप्टिकल फाइबर की शुरुआत कर दी गई है, और शुरुआत करने के साथ ही प्रधानमंत्री जी द्वारा जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह घोषणा भी कर दी गई कि अगले 1000 दिन में हम लक्षद्वीप को भी ऑप्टिकल फाइबर, जो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर लिंक से जोड़ देंगे। ये ऑप्टिकल फाइबर लिंक क्या है? तो आप जानते होंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर्स का प्रयोग करके हम प्रकाश को वक्र रेखा पर भी गमन करवा सकते हैं। इसके लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन तकनीक का प्रयोग कर सूचनाओं को प्रकाश किरण के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। तो 1000 दिनों में किस मुख्य भूमि से जोड़ा जाएगा? तो लक्षद्वीप को भारत की मुख्य भूमि से सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जोड़ा जाएगा, और वहाँ पे इंटरनेट सेवा की बहाली की जाएगी। लक्षद्वीप की राजधानी के बारे में आप जानते होंगे कि लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है, और लक्षद्वीप के जो अभी वर्तमान में प्रशासक हैं उनका नाम है श्री प्रफुल्ल पटेल। आगे बढ़ते हैं, किस मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया? तो सृजन पोर्टल हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो उनका नाम है श्री राजनाथ सिंह, या रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उपकरणों, स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल घरेलू जो वेंडर है उनको एक मंच प्रदान करेगा ताकि वो रक्षा क्षेत्र में घरेलू वस्तुओं को बढ़ा सके। आगे बढ़ते हैं, किस देश के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण वहाँ पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया है? तो हाल ही में मॉरिशस के तट पर एक जापानी जहाज जो 4000 टन कच्चा तेल लेकर ब्राज़ील से सिंगापुर जा रहा था, उसमें रिसाव हो गया। इस रिसाव के कारण समुद्री क्षेत्र में काफ़ी गंदगी फैल गई थी, पर्यावरण भी काफ़ी दूषित हो गया था। इसको देखते हुए मॉरिशस की सरकार ने वहाँ पे पर्यावरणीय आपातकाल घोषित कर दिया है। तो यह कहाँ पे किया गया है? तो मॉरिशस में किया गया है। अगला है, इजराइल यूएई शांति समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इजराइल के साथ समझौता करना करने वाला यूएई पहला खाड़ी देश बना है। तो आप जानते होंगे कि इजराइल जो एक यहूदी राष्ट्र है, और अरब देश जो है, और खाड़ी देश जो है एक इस्लामिक कंट्री है, तो इन दो देशों के बीच में समझौता काफ़ी कठिन था। लेकिन हाल ही में यूएसए के प्रयास से इजराइल और यूएई के बीच में पहला एक शांति समझौता हुआ है, जिसे अब्राहम समझौता के नाम दिया गया है, और यूएई पहला खाड़ी देश बना है जिसने यह समझौता किया है। तो पहला बिल्कुल सही है, और दूसरा जो खाड़ी देश है वह दूसरा देश है बहरीन। यह भी याद रखिए कि हाल ही में यूएई के बाद बहरीन ने भी समझौता कर लिया है इसराइल से, यह अब्राहम समझौता है, बिल्कुल सही है। इसराइल तथा जॉर्डन के बीच स्थित वेस्ट बैंक पर इसराइल का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। जी नहीं दोस्तों, इस समझौते के तहत इसराइल जॉर्डन के बीच में स्थित वेस्ट बैंक पर अपने अधिकार को वापस ले लेगा। तो यह तीसरा कथन गलत है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसराइल ने यूएई के साथ शांति समझौता करने से पूर्व जो है दो पहले ही देशों के साथ समझौता कर लिया है। इससे पहले 1979 में उसने मिस्र के साथ, और 1994 में जॉर्डन के साथ किया था। तो यहाँ पे ये दोनों देश जो खाड़ी देश नहीं है, जिस कारण यूए पहला खाड़ी देश बन गया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कैप्टन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू जी को चुना गया है। यह इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रह चुके हैं, और गिरीश चंद्र मुर्मू जी को 14वें कैग के रूप में चुना गया है। आप जानते होंगे कि कैग का वर्णन भारतीय संविधान के 148वें आर्टिकल में किया गया है। कैग का कार्य क्या है? तो वह भारत की संचित निधि एवं आकस्मिक निधि से होने वाले आय और व्यय का लेखा परीक्षण करता है, साथ ही साथ भारत सरकार के जो ऋण है और देय है उसका भी लेखा परीक्षण करता है। और इस जो लेखा परीक्षण का रिपोर्ट वह अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को सौंपते हैं, और राष्ट्रपति इसे संसद में पेश करते हैं। आगे बढ़ते हैं,
दुनिया में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए? तो दुनिया में सबसे तेज 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज जो तेज गेंदबाज बने हैं उनका नाम है जेम्स एंडरसन। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं क्योंकि वह फास्ट बॉलर हैं और फास्ट बॉलर होते हुए 600 विकेट लेने वाले वह पहले खिलाड़ी हैं। अगला है, किस राज्य के प्रसिद्ध मंडोली केला, हरमल मिर्च और खेज मिठाई को जीआई टैग दिया गया? तो मैंने पिछले ही सेट में बताया था आपको दोस्तों कि मंडोली केला, हरमल मिर्च, खेज मिठाई और खोला मिर्च ये सभी गोवा के प्रोडक्ट हैं जिन्हें हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो पर्यावरण की सुरक्षा के उद्देश्य से कृषि से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए तथा सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसका नाम है ग्रीन एजी प्रोजेक्ट, और इसकी शुरुआत जो है वह मिजोरम राज्य से की गई है। फिर से सुन लीजिए, कृषि से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए और सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की शुरुआत मिजोरम राज्य से की गई है। मिजोरम के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है श्री जोरम थंगा जी है। नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो नुआखाई एक कृषि फसल का उत्सव है जो कि उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में केवल उड़ीसा है, तो आप इसका उत्तर दीजिए उड़ीसा, कि नुआखाई फसल उत्सव हाल ही में उड़ीसा में आयोजित किया गया है। नए फसल के स्वागत, जब नए फसल धान जो उड़ीसा के क्षेत्रों में उपजते हैं वहाँ पे, तो वहाँ के किसानों के द्वारा एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है नुआखाई फसल उत्सव, जो नए फसल के स्वागत में मनाया जाता है। केरल सरकार द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस शुरू की गई है। समुद्री एम्बुलेंस सेवा पहली बार किस सरकार के द्वारा? तो केरल सरकार के द्वारा शुरू की गई है, जिसका नाम क्या है? तो केरल सरकार जो वर्तमान में वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं श्री पी विजयन जी के द्वारा एक पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है जिसका नाम है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा नाम की यह पहली बार एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। समुद्र में होने वाली दुर्घटनाओं से मछुआरों को मौतें हो जाती थी, कभी उनको अधिक चोटें लग जाती थी तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना कठिन होता था। तो ऐसे में समुद्र क्षेत्र में होने वाली घटनाओं से मछुआरों की को हानि कम हो, उनकी क्षति कम हो, तो उसके लिए यह सेवा शुरू की गई है जिसका जो पहली एम्बुलेंस सेवा है समुद्री, और इसका नाम है प्रतीक्षा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 43, नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कैबिनेट की मंजूरी के बाद हिमाचल प्रदेश वह पहला राज्य है जिसने नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया है। हालांकि कर्नाटक सरकार ने यह घोषणा की थी कि हम नई शिक्षा नीति को लागू करने वाले पहले राज्य बनेंगे, लेकिन कर्नाटक सरकार के द्वारा लागू करने से पहले ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसे लागू कर दिया है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री जयराम ठाकुर जी हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया, इनमें से कौन शामिल नहीं है? 29 अगस्त को प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय खेल दिवस जो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इसमें वर्ष 2020 में 5 व्यक्तियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था, जिसमें मरियप्पन टी, विनोद फोगाट, मनिका बत्रा, रोहित शर्मा एवं रानी रामपाल, इन 5 खिलाड़ियों को शामिल किया गया था, जबकि जसप्रीत बुमराह इसमें शामिल नहीं है। अब याद रखिए, मरियप्पन टी का संबंध जो है वह पैरा हाई जंप से है, विनेश फोगाट का संबंध कुश्ती से है, मनिका बत्रा का संबंध टेबल टेनिस से है, रोहित शर्मा क्रिकेट से, और रानी रामपाल राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वर्ष 1991 से दिया जा रहा है, और इस बार जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 7.5 लाख की जगह 25 लाख रुपये दिए गए हैं खिलाड़ियों को। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो बुंदेलखंड का एक बीहड़ का क्षेत्र है जहाँ पे जल संकट से वह हमेशा ग्रसित रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए इसराइल के साथ समझौता किया है। आप जानते होंगे कि विश्व में सर्वाधिक जो
अगर देखा जाए कि जल संकट से जूझ रहे देश है, उसमें पहला देश है कतर और दूसरा देश है इसराइल। तो इसराइल ने ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जो कि जल संकट से ग्रसित होने के बावजूद भी वहाँ फसल अच्छी हो जाती है। तो इस तकनीक को प्राप्त करने के लिए ही उत्तर प्रदेश सरकार ने इसराइल के साथ समझौता किया है। इसमें ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन जैसी सुविधाएं जो है इसराइल सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को दी जाएगी। अगला है, सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? बिहार के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, जिसका नाम है सियासत में सदस्यता। यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो बिहार के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा। वर्तमान में बिहार के विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा जी हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अर्जुन पुरस्कार 2020 में सम्मिलित व्यक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं? एक तरफ खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं और दूसरा तरफ उनके खेल क्षेत्र दिए गए हैं। तो पहला है ईशान शर्मा क्रिकेट से, यह बिल्कुल सही है। मनु भाकर जी का संबंध शूटिंग से है, ये 10 मीटर एयर पिस्टल में है, ये भी सही है। और दीप्ति शर्मा का संबंध हॉकी से और सुयश यादव का संबंध पैरा तैराकी से, तो सुयश यादव जी का संबंध पैरा तैराकी से, यह बिल्कुल सही है। जबकि दीप्ति शर्मा का संबंध हॉकी से नहीं है दोस्तों, बल्कि क्रिकेट से है। तो ये याद रखिएगा कि दीप्ति शर्मा का संबंध जो है वह क्रिकेट से है। क्वेश्चन नंबर 48, नासा ने वैश्विक समुद्र तल की निगरानी हेतु किस उपग्रह को लॉन्च किया है? तो वैश्विक जो समुद्र तल है उसकी निगरानी हेतु नासा के द्वारा एक उपग्रह लॉन्च किया गया, जिसका नाम है सेंटिनेल 6। नासा ने हाल ही में एक उपग्रह लॉन्च किया है जो कि समुद्र तल की निगरानी करेगा, उसका नाम है सेंटिनेल 6। नासा के द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट भी जारी की गई थी, जिसमें यह माना गया था कि प्रतिवर्ष जो समुद्र तल की जो ऊंचाई है वह 3.3 मिलीमीटर बढ़ रही है। तो समुद्र तल की निगरानी की जाए कि कितने गति से वह बढ़ रही है, ऊंची हो रही है, इसके लिए एक उपग्रह लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सेंटिनल 6। क्वेश्चन नंबर 49, विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो हाल ही में विश्व के सड़क नेटवर्क के सूची जारी की गई, जिसमें यूएसए को पहला स्थान और भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। अर्थात भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। लास्ट क्वेश्चन, बोस्टन के 2020 इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो 2020 में बोस्टन में आयोजित इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से भारतीय सेफ विकास खन्ना जी को सम्मानित किया गया। इसी के साथ हमारा सेट संख्या 15 समाप्त होता है, मिलते हैं, सॉरी, सेट संख्या 14 समाप्त होता है, मिलते हैं सेट संख्या 15 के साथ नेक्स्ट डे।